नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। साल 2023 यानी नए साल का आगाज हो चुका है। आज 1 जनवरी रविवार है और आज भारत समेत पूरे दुनिया भर में नए साल का आगाज हो गया है। लोग धूमधाम से आतिशबाजियों के साथ, पटाखों के साथ नए वर्ष का स्वागत कर रहे हैं और जश्न में पूरा दुनिया डूबा हुआ है। आपको बताएं, अगर हम भारत की बात कर लें तो भारत में फिर चाहे कलकत्ता हो, पटना हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, दिल्ली हो, या कोई भी शहर, कोई भी ऐसा राज्य या कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहां लोग जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं। आज यानी रविवार को सुबह से ही जो है शुभकामनाएं और संदेशों का दौर शुरू हो गया है। जितने भी तमाम सेलिब्रिटीज़ हैं, तमाम नेता हैं, राजनेता हैं, सारे लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अपने ट्विटर या फेसबुक के जरिए लोगों को न्यू ईयर की ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी बिहार के लिए, बिहार के बिहारवासियों को न्यू ईयर पर जो है शुभकामनाएँ दी हैं, बिहार के मंगल कामनाएँ की हैं। आपको हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो ट्वीट दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको तेजस्वी यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी वो ट्वीट दिखाएंगे और बताएंगे कि और कौन कौन से नेता हैं। बात कर ले अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर देशवासियों को शुभकामनाएँ दी हैं नए साल की। तो सबसे पहले देखिए, हम आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वो ट्वीट दिखा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर वो ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को जो है शुभकामनाएं दी हैं और मंगल कामनाएं किए हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा है, नए वर्ष के अवसर पर प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस वर्ष से कामना है कि यह नव वर्ष आप सभी के लिए सुख, शांति, समृद्धि, सद्भाव एवं अनंत सफलताओं का वर्ष हो। सबके सम्मिलित प्रयास से सुखी, समृद्ध एवं गौरवशाली बिहार के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। इतना ही नहीं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है, एक तस्वीर साझा किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सभी नई आशा, उमंग, ऊर्जा, जुनून, उम्मीद, नए विचार, संकल्प, विश्वास और शुरुआत के साथ नूतन वर्ष का स्वागत करें। नव वर्ष 2023 आप सभी के लिए मंगलमय, सुखमय और फलदायक हो। इतना ही नहीं, इनके अलावा जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा कि बिहार एवं समस्त देशवासियों को नव वर्ष 2023 की हार्दिक बधाई एवं ढेरों मंगल शुभकामनाएं। बिहार सरकार में पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी लिखा है, उन्होंने लिखा कि सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही बिहार के कई नेताओं ने समस्त देशवासियों को नया साल विश किया है। बता दें कि आज 1 जनवरी यानी 1 जनवरी है। साल 22 को सभी ने अलविदा कर दिया है और साल 2023 काफी सारी उम्मीदें और नए कामयाबियां साथ लेकर आए हैं। सुबह से भी सभी लोग एक दूसरे को नए साल का संदेश भेज रहे हैं। बिहार के तमाम जितने भी नेता हैं, मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, सभी लोग बिहार वासियों को, देशवासियों को विश कर रहे हैं और नए साल के शुभ और फलदायक होने की कामना कर रहे हैं। यह साल राजनीति में भी कई सारे बदलाव लेकर आने वाला है। नए साल के आगाज के साथ ही बिहार की राजनीति में काफी सारे फेरबदल भी देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आज रविवार के साथ ये नया साल जो है वो शुरू हो रहा है। आपको बताएं कि पूरा देश, अगर हम पटना की भी बात कर लें, तो पटना समेत जितने भी जितना भी बिहार का शहर है, खासकर पूरा हम देश की बात कर लें, तो नए साल की जश्न में डूबा हुआ है और बिहार के नेताओं ने भी नव वर्ष की समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों को बधाई और संदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो ट्वीट हमने आपको दिखाया, हमने आपको तेजस्वी यादव का भी वो ट्वीट दिखाया और साथ ही साथ हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वो ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें वो देशवासियों को ग्रीटिंग्स दे रहे हैं और नए साल की जो है विश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पूरा देश जो है वो नए साल के जश्न में डूबा हुआ है। रात 12 बजे से ही, आपको बताया, बीते रात ये 12 बजे से ही पूरा जो देश है, देश
क्या हम अगर पूरे पूरे दुनिया भर की बात करें तो पूरे दुनिया में ही लोग 12 बजे से ही एक दूसरे को विश करना शुरू कर देते हैं, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स को जो है विश करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ आम लोग नहीं, सेलिब्रिटीज़ भी और जितने भी राजनेता हैं, नेता हैं, वो भी नए साल का जो जश्न है वो मनाते नजर आते हैं। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।